बहर नगर सबसे पुराने स्कूल की जर्जर स्थिति है। शासकीय प्राथमिक शाला बहर जो कि भर्रा स्कूल के नाम से जाना जाता है, बहर के इतिहास का सबसे पुराना स्कूल है। आज वहां खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर है। बहर नगर परीक्षा क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल जिसने न जाने कितने ही आला अधिकारी कर्मचारी और सभी विभाग में उच्च पदों में नौकरी कर रहे लोगों को शिक्षा दी और उनका भविष्य संवारा है। बहर नगर के बीचों बीच BRC प्रांगण में स्थित इस स्कूल की दूरी नगर परिषद मुख्यालय से महज 20 कदम की दूरी पर है। सामने ही अनुविभागीय अधिकारी का कार्यालय भी स्थित है, लेकिन इस स्कूल को देखने की फुर्सत किसी को नहीं है। आज इस स्कूल की जर्जर हालत पर तरस भी आ रहा है और जिम्मेदारियों के ऊपर गुस्सा भी। स्कूल की स्थिति इतनी खराब है कि किसी भी समय गिर सकता है भवन। ये तो स्कूल का स्टाफ की समझदारी है कि जर्जर भवन में क्लास ना लगाकर बाहरी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पूरे भवन को बंद कर किचन शेड और कार्यालय में पढ़ा रहे बच्चों को किचन शेड में रखे कुर्सी चूल्हे पानी की टंकी बड़ा ट्रंक के बीच कैसे बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर है। कुछ बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ने को अपनी खुशनसीबी समझ रहे हैं। वहीं स्कूल भवन के मरम्मत कार्य के लिए बार बार नगर परिषद बहर BRC बहर तथा SDM को भी कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक किसी की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है। एक तरफ सरकार स्कूल चले हम जैसे न जाने कितने ही अभियान चला रही है जिससे लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो, भले ही सरकार के पास न अच्छे स्कूल हो। मीडिया के माध्यम से स्कूल स्टाफ ने शासन से मांग की है कि उनके स्कूल की मरम्मत कार्य करवाए तथा नए भवन के निर्माण के लिए अनुदान राशि भी दी जाए। श्रीमती यशोदा महाराज जी बताइए, कहाँ पर आप पदस्थ हैं? तो शासकीय प्राथमिक शाला भैया जी, ये बताइए आप किचन सेट में स्कूल लगा रही हैं क्यों? मेरा स्कूल एक तरफ से टूट चुका है। अच्छा, शिकायत आपने कहीं पर की? जी हाँ, SDM साहब। अभी तक कोई कार्यवाही मरम्मत के लिए कोई फैसला नहीं हुआ। कितने दिनों से आप यहाँ पे क्लास लगा रहे हैं? ये अभी 20 तारीख से, यानी 20-22 तारीख। तो क्या आपको असुविधा नहीं हो रही, बच्चों को असुविधा नहीं हो रही, ऐसे पानी बरसात में खुले में बैठे हैं सब? हो रही है सर। फिर कैसे करते हैं जब बारिश होती है तो बच्चों को फिर एक जगह बैठा लेते हैं। किचन सेट में आपने इस क्लासरूम लगाया है तो फिर इनके लिए फिर भोजन वोजन की व्यवस्था कुछ? भोजन सर अभी तो भोजन नहीं बन रहा है, मध्याह्न भोजन में हाँ। सूखा राशन वितरण किया जा रहा है और बच्चे टिफिन लेकर आ रहे हैं। अच्छा, स्कूल है प्राथमिक शाला स्कूल, इसकी बिल्डिंग बहुत जर्जर हालत में है, क्या स्थिति, क्यों इतनी जर्जर हालत में है? इसका मरम्मत के लिए हमने जिला प्रशासन को अनुरोध किया है, बहुत जल्दी ये मरम्मत का कार्य हो करके संस्था प्रारंभ। तो सर अभी जो क्लास लग रही है बच्चों की, वो किचन सेट में लग रही है, बहुत छोटे से कमरे में, वहाँ उठते बन रहा है ना बैठते बन रहा है, तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था उसके लिए क्यों नहीं की जा सकती? एक अतिरिक्त कक्ष में वैकल्पिक व्यवस्था करने का सोच रहे हैं जी। 9 भारत के लिए अरविंद चौधरी की रिपोर्ट, बहर।